गाइस पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को भी सीखने की जरूरत है नरेंद्र मोदी से। अच्छा एक वीडियो इंडिया से जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उनकी वायरल हो रही है। गाइस सीखने की क्या जरूरत है मैं आपको बताता चलूं, नरेंद्र मोदी अपनी एक रैली लेकर जा रहे थे, एक जगह से गुजरते हुए उनको पता चलता कि गाइस पीछे कोई एम्बुलेंस आ रही है। एम्बुलेंस को उन्होंने अपनी रैली को रोकते हुए एम्बुलेंस को गुजरने की जगह दी। लीडर्स हैं अपने ममालिक पॉपुलर से मुराद में ये कह दो मोदी से ये रोक दी गाड़ी। कितनी बड़ी बात है ऐसे ही। अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तो आपकी नजर में वो कैसे लीडर है? आई थिंक ही इज द बेस्ट फॉर कंट्री। वेल लुक एट इंडिया, मेरा हाल है बिल्कुल वाज़े होता है कि हिंदुस्तान इंडिया किस तरह से तब्दील हो रहा है। कुछ नहीं है पाकिस्तान में, यकीन करें, ऐसे बढ़ के मारते हैं हम बस, बाकी वो बहुत ऊपर है हमसे, बहुत ऊपर जा रहा है। The Prime Minister is such an incredible man. I can see that he really cares about the country. Population ne kaha ki theek hai ji Modi sahab theek hai hamare liye. Guys ek ambulance ko jagah dena kitni badi baat hai, ek marte hue insaan ko zindagi dena kitni badi baat hai. Hum India se juda hue the, hum agar comparison kare to mujhe aise lagta hai ki hum piche reh gaye hain kahin. Ab bhi hum extraordinary circumstances se guzar rahe hain. वो जो है अब मैं क्या कहूँ, सिर्फ एक लफ्ज करूंगा और आप उससे परेशान ना हो। लोगों के लिए सीखने का एक बहुत बड़ा जरिया होता है गाइस एक पॉलिटिशियन, तो नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी मिसाल सेट की है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को भी इसे सीखने की जरूरत गाइस पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को भी सीखने की जरूरत है नरेंद्र मोदी से। गाइस सीखने की क्या जरूरत है मैं आपको बताता चलूं, नरेंद्र मोदी अपनी एक रैली लेकर जा रहे थे, एक जगह से गुजरते हुए उनको पता चलता कि गाइस पीछे कोई एम्बुलेंस आ रही है। एम्बुलेंस को उन्होंने अपनी रैली को रोकते हुए एम्बुलेंस को गुजरने की जगह दी। गाइस आपको पता है कि एक पॉलिटिशियन ही रीत बनाता है किसी भी, लोगों के लिए सीखने का एक बहुत बड़ा जरिया होता है गाइस एक पॉलिटिशियन, तो नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी मिसाल सेट की है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को भी इसे सीखने की जरूरत है। गाइस एक एम्बुलेंस को जगह देना कितनी बड़ी बात है, एक मरते हुए इंसान को जिंदगी देना कितनी बड़ी बात है, इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनको ये वीडियो दिखाऊंगा, देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के इस बारे में क्या रिएक्शन आते हैं। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की हिस्ट्री में कभी ऐसा कोई वाकया है कि कभी कोई एम्बुलेंस गुजरी हो, उन्होंने अपना जलसा रोक दिया हो, रोककर एम्बुलेंस को गुजरने की रास्ता दिया हो, कभी ऐसा हुआ? तो अभी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, वो वीडियो में देखिएगा, आप वीडियो में देखकर बताइएगा कि ये इन्होंने कैसा मैसेज दिया आने वाले नस्लों के लिए और कैसा काम किया। बाय द वे बताता चलूँ कि ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन नहीं है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब की एक मैसेज है, वो देखिएगा। हाँ जी, ये एम्बुलेंस आ रही है भाई, ये देखो नरेंद्र, ये जा रहे हैं, ये गाड़ी हाथ ला रहे ना, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लोग देखिए कैसे इस्तकबाल कर रहे हैं, बिल्कुल देखिए जी, सेकंड टर्म है इसकी मोदी की, वहाँ पे कोई वजह है, इस्तकबाल ऐसे नहीं हो रहा। सही बात है, ये देखिए, ये रोक दी गाड़ी। हाँ। कितनी बड़ी बात है, देखिए ऐसे ही ये उनके गार्ड देखे गाड़ी को कैसे आगे कर रहे हैं, तब इसको पूरी दुनिया मानती है, लेकिन एक चंद एक मसाइल की वजह से मसाइल हो जाते हैं कहीं ना कहीं। अभी आप देखेंगे हमारी मीडिया ये बताती है कि भाई वहाँ पर इंडिया में ये सिर्फ जो मोदी मुसलमान दुश्मन है, और इंडियन मीडिया दिखाती है कि जो कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ बम धमाके होते हैं। क्या आप मैं और आप यहाँ पर सलामत है, क्या कोई वासा वाकया है? नहीं नहीं बिल्कुल, दोनों तरफ की मीडिया यही दिखाती है कि भाई वो मुसलमान इस्लाम दुश्मन है। अभी देखें कि अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में पहले पाकिस्तान इंडिया का सबसे पहला जो प्रेसिडेंट है वो अब्दुल कलाम साहब थे, वो कौन थे? मुसलमान थे। वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को उनके हकूक मिलते हैं भाई, ये मीडिया दिखाते हैं, मीडिया दोनों मुल्कों के दरमियान आग डालता है। मीडिया को देखना छोड़ दें, आप यकीन करें कि आप इंडिया इंडिया करेंगे सिर्फ और सिर्फ। नहीं नहीं ये तो पता है भाई जान, बहुत ऊपर जा रहा है वो मुल्क हमसे, हम तो सिर्फ कुछ नहीं है पाकिस्तान में, यकीन करें, ऐसे बढ़ के मारते हैं हम बस, बाकी वो मुल्क बहुत ऊपर है हमसे, बहुत ऊपर जा रहा है। क्या वजूहत है वो ऊपर? ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस मैं यही कहूँगा, जो मुल्क का सोच के आगे लेके जा रहे हैं ना, आगे करप्ट लीडर्स हमारी तरह टकरे हुए हैं कि अपना सोचा बाहर बनाई जायदाद और बस निकल गए बाहर, एंड ऑफ द अपने टर्म के बाहर।
सही हो गया। तो यार देखो कि जब इस तरह के हालात चलते हैं मुल्क के अंदर, के जब एक मुल्क का लीडर आपको बताता कि भाई अगर कोई इस तरह का कोई इमरजेंसी केस हो, एम्बुलेंस आए तो आपको एक रास्ता दे देता कि भाई तुम गुजरो एम्बुलेंस को, कहता यहाँ पर हमारे इधर के बल्कि ये होता कि एक को दूसरा बुरा दूसरे को बुरा कहता, वो पॉलिटिशियन को देख कर फिर अवाम भी एक दूसरे को बुरा गंदा गालियाँ देती है स्टेज पर चढ़ के, इसको कैसे देखते हैं? बुरे ही बात है ये, वैसे प्रोटोकॉल ही बुरा जैसे हमारे होता है यहाँ पे डेली रूटीन वैसे आप देखेंगे यहाँ जे रोड पे आप खड़े हो जाएं, आपको हर पौने घंटे बाद कोई ना कोई प्रोटोकॉल गुजरता नजर आएगा और देखेंगे कि वार्डन वाले बकायदा 15-20 मिनट रोक ही रखते हैं, जो मर्जी चीज़ आ जाए नहीं जाने देंगे, ये डेली की रूटीन है। डेली के दिन में कितनी दफ़ा रूटीन होती है इनकी ये बात। इसलिए मेरा आज आपसे बात करने का पर्पस है कि क्या हमारे लीडर्स का, जो कि हमारे मौजूदा लीडर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने धरना करते हुए जलसा करने के टाइम पर अगर कोई एम्बुलेंस गुजरे तो क्या उन्हें जगह देते हैं, क्या आवाम को हटा करके भाई हट जाओ और जगह दे दो? जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में एजिटेशनल पॉलिटिक्स की, शॉर्टकट में बताना आपने, क्या वो जगह देते हैं अपने अपने स्पीच को रुकवा करके भाई साइड पर हो जाओ एम्बुलेंस जा रही, क्या वो जगह देते हैं? इस तरह का कोई रवाज नहीं है। नहीं है तो मैं आपको छोटी सी एक वीडियो दिखाऊंगा कि रिवाज कहां से बनना शुरू हो गया, देखें कि जरा आप देखेंगे वीडियो को मुलाजा फरमाएं, उसके बाद ये देखें, ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, ये गाड़ी में आ रहे हैं, ये एम्बुलेंस आ रही है, पीछे चेक करें, ये ऊपर अपनी गाड़ी से हटकर लोगों को कह रहे हैं भाई रास्ता दे दो एम्बुलेंस के लिए, ये देखना अभी कितनी बड़ी मिसाल कायम की है। बात करते हैं, देखें 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 देखें, पहले देखना पड़ेगा आपको। अच्छा पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो आपकी नज़र में वो कैसे लीडर है? आई थिंक ही इज़ द बेस्ट फॉर कंट्री, बिकॉज वो उसका तीसरा आई थिंक तीसरी दफ़ा वो हो रहा है उनके लिए प्राइम मिनिस्टर, वो अपने कंट्री के लिए ठीक है, उसे वो ये नहीं सोच रहा कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ, मैं हिंदुओं की सपोर्ट में, वो काम कर रहा है, उसको पता है एक चीज़ को आगे लेके जाना है। इंडिया, हाँ हम इंडिया से जुदा हुए थे, हम अगर कंपैरिजन करें तो मुझे ऐसे लगता है कि हम पीछे रह गए हैं कहीं, अब वो कहाँ रह गए मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है हमारे जो है ना सियासतदान वो अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, हम कंट्री के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और डॉलर की बात करें हमारी तरफ डॉलर 285 का, वहाँ पे जस्ट 100, इट्स अ बिग डील फॉर अस, लाइक हम ये क्यों नहीं कर रहे, हम जुदा हुए थे, हमारे पास चलो सोर्सेज नहीं थे तब, मैं तब नहीं थी, लेकिन ये है कि जब इंसान थोड़ा थोड़ा जोड़ता है तो एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ होता है।